नमस्कार साथियों, हम हैं कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं हमारे एग्जामपुर परिवार में। ठीक है बच्चा, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। किसके ऊपर? विटामिन की डिजीज, जो भी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, आपको पता है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। एकेडमिक से लेके जब आप नीट देते हो, प्लस आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम, आपके एसएससी, आपके आईएएस के, चाहे उस लेवल का एग्जाम हो गया, लेकिन तब भी आपसे क्या पूछा जाता है? विटामिन के रोग से आपसे क्वेश्चन पक्का बने जाते हैं और इतनी सारी चीज हमें लर्न करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। तो थोड़े बहुत एक दो ट्रिक तो हम सीख ही सकते हैं ना, जिससे हमें क्या सहायता मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी इस ट्रिक पे एक नजर मारेंगे। विटामिन डिजीज ट्रिक है, ट्रिक क्या कह रही है जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, मेरी बात को सुनेंगे। अगर अभी क्लास में, अभी आपने इस वक्त जरा मेरे बातों को बड़े ध्यान से सुन लिया, तो आपको जो होगा, क्या बोलते हैं, आपको याद करने में उतना ही क्या होगा, उतना ही आपको याद करने में सही रहेगा। ठीक है बच्चा, उतना ही याद करने में सही रहेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ढंग से, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजू ने बेड पे दो इनाम में सकीना को रथ दिया। क्या ट्रिक है? राजू ने बेड पे दो इनाम में सकीना को रथ दिया। तो आपका ये जो राजू है, क्या है, पहला शब्द क्या है? राजू। इसको क्या करना है? राजू को दो भागों में क्या तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। चलिए ठीक है, राजू को क्या किया, दो भागों में क्या किया, तोड़ दिया। क्या? रा और जू। तो सबसे पहले आपको पता है कौन आता है? विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी अल्फाबेटिकल। तो विटामिन ए से होने वाला रोग रा से क्या बना? आपका रौतौंधी बना। क्या बना? रौतौंधी, जिसको आप इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हो। क्या बोलते हो? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हो, ठीक है। उसके बाद जो से क्या बना? जीरो फथालीमिया बना। क्या बना? जीरो फथालीमिया बना। जो विटामिन का कमी से होने वाला, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और जीरो फथालीमिया हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है दूसरा आपका? न जो है बच्चा, इसको इग्नोर कर देना। अब सीधा आएंगे हम बेड पे। तो बेड को हमने क्या किया? बेड पे पूरा का पूरा हमने क्या किया? जरा तोड़ दिया, ठीक है। जैसे आप करते हैं ना, तोड़ते हैं अ, जैसे हम अनार को पढ़ते हैं, जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं अ, अ को आ की मात्रा, न र। तो हम ऐसे ही हमने क्या किया? तोड़ दिया है। कैसे हमने क्या किया? बेड पे। तो हमें पता है कौन सी डिजीज होती है बे से? बेरी बेरी होती है। कौन सी होती है बे से? बेरी बेरी होती है। विटामिन की कमी का रोग, विटामिन बी वन शुरू हो गया। विटामिन, आपको पता है बी कितने विटामिन होते हैं? 8 तरीके के आपके विटामिन बी होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला होता है वो कौन सा है? विटामिन बी वन है। कौन सा है? विटामिन बी वन है, ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या है? डर्मेटाइटिस है। क्या है? डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस किससे होता है? ड से हो गया आपका, आगे वाला क्या हो गया? बेड पे, बे बना यहां से और ड यहां से ले लिया इसने। उसके बाद प, पे भी आएगा तो इसलिए इसने तोड़ लिया, ठीक है। इसने क्या किया? विटामिन ये यहाँ पर तोड़ा है ना, तो यहां से आप कंफ्यूज मत होइएगा। बे से बेरी बेरी, ड से आ गया क्या? डर्मेटाइटिस, विटामिन बी टू की कमी से। उसके बाद पे आ गया यहाँ से पेलेग्रा, आपको पता है इंग्लिश में भी इसे पेलेग्रा बोलते हैं। तो आपको पता है विटामिन बी वन, बी टू, बी फाइव, बी थ्री, बी फोर, बी आपका क्या, आपका बी फोर नहीं होता है, आपको याद हो, सीधा बी फाइव आता है, ठीक है। इसमें बी थ्री नहीं मेंशन किया गया है, तो वो क्योंकि ट्रिक में नहीं सेट बैठ रहा था, इसलिए बी थ्री को फिलहाल क्या हटा दिया है। आपको पता है बी थ्री कौन होता है? नियासिन होता है। कौन होता है? नियासिन होता है। आपको पता है विटामिन बी फोर क्या होता है? बी थ्री क्या होता है? नियासिन होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बी फाइव क्या? पेलेग्रा होता है, याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका, अब कौन सा? दूसरे इनाम पे आ जाइए। दूसरे याद रखना, दूसरे मतलब दो, दूसरे द से ले लो दो, और इनाम मतलब, इनाम मतलब से ले लिया एनीमिया। क्या ले लिया? एनीमिया, जिसको आप खून की कमी बोलते हो। समझने में इसको हटा देती हूँ, ठीक है। क्या? एनीमिया, खून की कमी। तो ठीक है बच्चा, इनाम एनीमिया, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? दो बार क्या
आपका जो एनीमिया होता है वो बच्चा आपके दो विटामिन से होता है, विटामिन B6 की कमी से भी होता है, तो आपको पता है B5 के बाद B6 आएगा उससे भी होता है, और आपके B12 से भी होता है। इसलिए यहाँ पर इनाम को इसमें, इसलिए यहाँ पर जो दूसरे इनाम है, दूसरे मतलब दो बार है, दूसरे इनाम, इनाम से क्या ले लिया, एनीमिया, तो किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। आगे चले, चलिए आगे देखा हमने इनाम एनीमिया, मैंने बोला था ना दो बार कहने का मतलब कि जो आपका एनीमिया होता है वो दो विटामिन से होता है, एक विटामिन B6 और एक क्या हो गया, विटामिन B12। अब क्या है, स्कर्वी विटामिन की कमी, आपको पता है आगे वाला क्या बना, देखिए अपनी ट्रिक को देखिए, उधर देखिए, उसके बाद सकीना था, सकीना से क्या बन गया, स्कर्वी बन गया। आपको पता है स्कर्वी किससे होता है, रोग किससे होता है, आपका विटामिन सी से होता है। उसके बाद रिकेट, सकीना को रथ दिया, ठीक है, तो आ गया हम किसके ऊपर, रिकेट्स के ऊपर आ गए, सकीना के बाद किसके ऊपर आ गए हम, रिकेट्स के ऊपर आ गए, जो विटामिन डी से होता है। आगे आगे हम किस पे, न के ऊपर आ गए, सकीना को रथ दिया, याद रखेंगे इस ट्रिक को, याद रखना है बहुत ही ध्यान से, सकीना को, सकीना को क्या किया हमने, इसको तोड़ दिया है, ठीक है, स्कर्वी, उसके बाद हमारा जो विटामिन सी से होता है, उसके बाद हमारा स्कर्वी, उसके बाद रिकेट्स है जो विटामिन डी की कमी से होता है, देन न है, क्या है, न, जो विटामिन ई, जिसको नपुंसकता बोलते हैं, और आप बोलते हैं जो जननांग होते हैं, लिख लेना इसको आगे, जननांग होते हैं उसकी क्या हो जाती है, वो क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हो, जननांग की क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं, कमजोर और वीक हो जाते हैं, मतलब प्रॉपरली डेवलप, ग्रोथ वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, यही इसने लिखा है। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई, पूरा का पूरा ट्रिक याद रखेंगे, उसके अलावा आपको ये चीजें तो ध्यान होनी ही चाहिए कि किससे क्या होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछता है यहां से। उसके बाद रथ दिया, सकीना को रथ दिया, तो रथ से रथ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रथ प्लस क्या, दिया, ठीक है, तो जब हमने इसको तोड़ा तो क्या बना, रथ, रक्त का, र से क्या बन गया, रक्त, थ से क्या बन गया, थक्का, तो रक्त का थक्का देर से बनना, द से क्या बन गया, देर से बनना, किसका, जो ब्लड क्लॉटिंग जो है आपका, जो रक्त का थक्का है वो देर से बना, तो कौन सा विटामिन आएगा, ई के बाद विटामिन के आएगा, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जो होता है वो थोड़ी देर बाद बनता है, मतलब उसका क्या होता है, आपका जो कहीं चोट लग जाए आपको, तो जो आपका रक्त होता है वो बहता रहता है, क्या बहता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, अगर आपका विटामिन के की कमी हो गई, विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग आपकी नहीं होगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने आपको ये ऐसे ही दिया है, जिसमें सोर्स आपको एक टेबल की तरीके से दे दिया है, इसमें ट्रिक नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको डिजीज तो लर्न हो ही गई है ट्रिक से, अब आप इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिएगा, आपके काम की ही चीज है, ठीक है, आपके काम की ही चीज है, कि विटामिन B1 का स्रोत क्या है, कमी, जो मैंने आपको एक टेबल की तरीके में भी दे दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा WBC करके क्या है, आपके पता है आपको जो विटामिन होते हैं, कौन होते हैं, विटामिन दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन से दो प्रकार के होते हैं आपके विटामिन, दो कौन से प्रकार के होते हैं, एक होता है जो आपके पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल होते हैं, दूसरा कौन होता है, जो वसा में घुलनशील होते हैं, है ना, वसा में, तो आपका जो WBC है, W मतलब वाटर सोल्यूबल, क्या, पानी में घुलनशील, ठीक है, और B से क्या बना, B से जितने भी विटामिन B होते हैं आपके, और जो विटामिन C होता है आपका, वो क्या होता है, पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मतलब आप कैसे बोलोगे, पानी में घुलनशील, मतलब आप क्या उससे बोलोगे, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, याद रखना, क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील, और आपके वसा में घुलनशील, मतलब आपके फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट लर्न कर सकते हो ना, ADE के, ठीक है, तो इतनी ट्रिक थी आपकी, इसको देख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, क्वेश्चन आपसे हर जगह विटामिन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।